वेलकम टू एटोमेशन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, ये है हमारा फुटबॉल स्कोर बोर्ड। आपको जो बड़ा वाला डिस्प्ले दिखा दे रहे और ये जो छोटा वाला हैंडल दिखा दे रहे, इसमें से आप वो डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर कोई टीम ए का स्कोर हुआ है, कोई गोल हो रहा है, तो आप स्कोर में ये जो प्लस है, ये प्लस थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस कीजिए, उस पर उसके बाद छोड़िए। देखिए, प्लेयर ए वन हो गया और टीम बी का अगर गोल हुआ, तो टीम बी के लिए जो प्लस साइन है, वो प्लस थोड़ा सा होल्ड करके छोड़ दीजिए, तो टीम बी का गोल हो गया। अभी मान लीजिए, अगर गलती से कोई गोल हुआ और गोल बाय मिस्टेक गोल दिखा रहे और आपको कम घटाना है, गोल को जीरो करना है, तो जो माइनस साइन है वो माइनस साइन प्रेस कीजिए, तो गोल जीरो हो जाएगा। अभी आपको जो दिखाई दे रहा है बड़ा वाला डिस्प्ले, गेम टाइम, अभी गेम टाइम को आपको ऑन करना है, तो ये जो टाइम दिखा रहे हैं गेम टाइमर, ये स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा होल्ड करके पकड़िए, उसके बाद छोड़ दीजिए। देखिए, गेम टाइमर ऑन हो गया है। अभी गेम टाइमर को अगर आपको पॉज करना है या फिर स्टॉप करना है, तो जो इंटर स्विच है, इंटर स्विच प्रेस कीजिए, तो स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा सा होल्ड करके पकड़ने के बाद छोड़िए, तो स्टॉप हो जाएगा। फिर से आपको टाइमर अगर स्टार्ट करना है, तो टाइमर स्विच प्रेस कीजिए। देखिए, टाइमर भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद आपको अगर टाइमर स्टॉप करना है, तो बैक स्विच प्रेस कीजिए, तो बैक स्विच प्रेस करने के बाद टाइमर भी स्टॉप हो जाएगा। अब अगर फिर से आपको टाइम स्टार्ट करना है, तो फिर से आप गेम टाइमर प्रेस कीजिए, तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर भी ऐसा ही है, प्रेस कीजिए, उसके बाद छोड़िए, तो टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। अगर फाउल हुआ है, मान लीजिए, तो टीम ए का फाउल हुआ है, फाउल दिखाने के लिए ए वाला जो स्विच है, प्लस फाउल ए का प्लस स्विच प्रेस कीजिए, तो फाउल वन हो गया। टीम बी के लिए सेम है, टीम बी के लिए फाउल हुआ है, तो टीम बी के लिए प्लस साइन प्रेस कीजिए, तो फाउल दिखा रहे हैं आपको बड़ा वाला स्क्रीन में। अगर गलती से हुआ, तो फिर से आपको माइनस स्विच प्रेस करके जीरो करना है। और देखिए, टाइम और गेम टाइमर और टाइमर दोनों स्टार्ट हो गया। अगर किसी को पॉज करना है, तो टाइमर बैक स्विच टाइमर को अगर पॉज करना है, तो बैक स्विच प्रेस कीजिए। और पूरा खेला हो जाने के बाद अगर आपको पॉज टाइम गेम टाइमर को पॉज करना है, तो इंटर स्विच प्रेस कीजिए। और पूरा खेला हो जाने के बाद जो रिसेट स्विच है, रिसेट स्विच प्रेस कीजिए, तो पूरा डिस्प्ले रिसेट हो जाएगा। और आपको जो दिखा रहे हैं पीरियड जीरो, वो अगर आपको फास्ट या सेकेंड करना है, तो इंक्रीमेंट स्विच प्रेस कीजिए, जो इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट स्विच प्रेस करने के बाद वो पीरियड फास्ट और सेकेंड हो जाएगा। घटाना है तो माइनस स्विच प्रेस कीजिए, घट भी जाएगा। ओके, थैंक यू। दिखा रहे जो स्कोर बोर्ड स्कोरिंग कर रहा है, और टीम ए और टीम बी का इंडिया और स्पेन दिखा रहे हैं, ये आप लोग अपने मोबाइल से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई टीम खेल रहा है, उसका नाम एंट्री करना है, तो आपका मोबाइल में एक ऐप है, वो ऐप से ऐप के तरह आप वो टीम ए और टीम बी का नाम और इसको ऊपर जो स्कोर बोर्ड है, वो स्कोर बोर्ड की नाम भी आप चेंज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।